जय हिंद साथियों, कैसे हैं भाई सभी लोग? बढ़िया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा जो एक या दो नंबर से फेल हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास भी आए हैं, बहुत सारे कॉल्स भी आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जिनके कट ऑफ से एक या दो नंबर कम रह गए। वो क्या कर सकते हैं और बाकी चैनल्स पर बाकी लोग उनको क्या बता रहे हैं, सिर्फ व्यूज पाने के चक्कर में ये वाली छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन काम की रहेगी आपकी। देखिए, आप सबको पता है कि कट ऑफ कितनी जरूरत है किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए। इस वाले सेंट्रल टीईटी का, चाहे पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, अगर आप 90 मार्क्स पाते हो आउट ऑफ 150, 150 में से 90 नंबर पा जाते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, क्वालिफाई हैं। अगर आप 82 मार्क्स पाते हैं ओबीसी एससी एसटी की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 150 क्वेश्चन में से 82 मार्क्स, मतलब 82 क्वेश्चन सही हैं, आप सेंट्रल टीईटी क्वालिफाई। पेपर वन एंड पेपर टू दोनों में मतलब ये वाला रूल है। अब अगर कोई भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, 90 होना चाहिए और उसके मार्क्स है 89, या ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से है और उसके मार्क्स आए हैं 81, तो ऐसे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज्यादा परेशान होते हैं और वो फिर सर्च करते हैं कि आखिर हम एक या दो नंबर से पास अगर फेल हैं तो कैसे पास हो सकते हैं, इसके लिए हमें कहां से आइडिया मिलेगा। कोई नहीं करा सकता है, रिकॉर्ड रहा है सेंट्रल टीईटी का आज तक, एक या दो नंबर नहीं, आप आधे नंबर से भी पास होते, आप फेल होते ना तो भी नहीं पास कर सकते थे। और बाकी चैनल्स पर लोगों ने क्या बना रखा है, एकदम से मतलब हवा बना रखा है कि एक नंबर से पास फेल है तो भी पास हो जाएंगे, दो नंबर से फेल है तो भी पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई, केवल व्यूज पाने के लिए लोग करते हैं, बाकी कुछ नहीं। और अगर ऐसा कोई भी आपके साथ में मतलब वैसी कह सकते हो बदतमीजी टाइप की हरकत करता है तो उसके कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए भक, सिर्फ इतना लिख के चले आइए, ठीक है। ऐसे दुष्ट लोग मतलब कैसे बता सकते हैं लोग, देखिए ये केवल इमोशंस से खेलते हैं। सेंट्रल टीईटी में के एग्जाम में अगर आप एक या दो नंबर से फेल हैं तो फिर ये कर लीजिए, सेंट्रल टीईटी के एग्जाम में आप इतने नंबर से फेल हैं आप ये कर लीजिए, कोर्ट केस कर दीजिए, फलाना धिनका, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक नंबर से फेल या चाहे जितने नंबर से फेल, फेल का मतलब फेल है। पास होंगे कैसे, टॉपर्स की लिस्ट में कैसे आएंगे, उसके लिए दो तीन वीडियोस मैंने पहले से ही इसी वाले चैनल पे अपलोड करी हैं, उसको जरूर देखिएगा। पढ़ने का सही तरीका क्या होता है वो जरूर देखिएगा। इस वाली छोटी सी वीडियो में इन्फॉर्मेशन सबको देना था, जितने मेरे पास कॉल्स या मैसेजेस आए हैं उनको भी, बाकी वीडियोज पर जो कमेंट आए हैं उनको भी, और जो लोग इस चीज़ के लिए परेशान हैं उनको भी बताइएगा कि भाई भाई एक नंबर से फेल या चाहे जितने नंबर से फेल, फेल का मतलब फेल है। अब इस वाले रिजल्ट में तो पास होने के चांसेस नहीं है, सीधी सी बात, पास होने का कोई चांस नहीं है। अब आपको अगले एग्जाम में ही अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले एग्जाम्स के लिए लग जाइए दिल खोल करके, जहां पर कमी हुई है उसे सुधार कीजिए, जहां पर भी कमी रह गई है उसको सुधार कीजिए। कमियां क्या रह गई हैं वो दो वीडियोज मैंने आपको ऑलरेडी दे दी हैं, एक में मैंने आपको बता दिया है कि टॉपर्स आखिर पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि सेंट्रल टीईटी में फेल होने की मुख्य वजह क्या रही है, नहीं देखे हैं तो उसको देख जरूर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो पाए कि कहां पर कमी रह गई है और उस कमी को दूर कर पाएं आप, ठीक है। गलतियों को समझिए अपनी और अपनी कमियों को समझिए, उसमें सुधार कीजिए, यकीनन आप बढ़िया नंबर से पास हो जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ में डेली रात के, क्या कह सकते हो, शाम के 7 बजे इसी वाले चैनल पे लाइव आता हूँ मैथमेटिक्स वाली क्लास को लेकर के, जुड़िए उस क्लास में। बाकी आज के लिए इतना ही, नई वीडियोस तक के लिए कह दूंगा थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जल्द ही मैं मिलता हूँ आपके साथ अपनी क्लासेस में भी लाइव और बाकी नए नए अपडेट्स के साथ इसी चैनल पर बने रहिए। बाकी इस चैनल पर नहीं भी बने हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बन जाइएगा ताकि नई नई अपडेट आपके पास में सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।